Okay, so first of all, a warm, warm welcome to Glitz Vision USA. And सबसे पहले तो पूछना चाहती हूँ कि इतनी गर्मी में पहली बात तो ऐसे कॉस्ट्यूम्स पहन के शूट करना, इट इज़ रिकमेंडेबल. आई एम रियल रियली अप्रिशिएटेड. आप मुझे बताइए कि कितना डिफिकल्ट होता है स्पेशली कॉस्ट्यूम ड्रामा इस तरह का वेदर, एंड सीन्स भी काफ़ी बार बहुत हैवी हो जाते हैं. एनी वन हू कैन स्टार्ट. हम एक्टर्स हैं, हम इमेजिन करते हैं कि विंटर्स चल रहे हैं, सो दैट्स व्हाट यू हैव टू थिंक. 12 मंथ्स ऑफ द ईयर हमारे विंटर्स ही रहते हैं. हम बस इमेजिन करते हैं कि बहुत ठंड है यार, बड़ी ठंड हो रही है, सो दैट्स हाउ वी सर्वाइव. आई गेस जिस दिन चेक आते हैं उस दिन ज्यादा ठंड लगती है. बहुत खुशी जी. Okay, but you know, like doing such a show, you know, which is a costume drama, it's a historical show. What are the challenges which you face? Since abhi to time ho chuka hai aapko shoot karte ho, what is the biggest challenge which you face? See, I think historical jo period shows hote hain, definitely very exhausting, physical and mentally both. Emotionally to hote hain. But I feel that you know, you have to weather everything, you know, every kind of climate, and you have to put up like a brave front, and you have to obviously give your best. Yeah. So as actors, I think, जैसे अभी सुलग्ना ने भी कहा, I think we just have to play a part. और obviously कई बार होता है कि it's very unbearable. और उस time फिर हम लोग बीच में कोई ना कोई अपना थोड़ा cool खो देता है, which is very human again and very normal. But it's not easy doing a period show, historical show. I'm sure जिन्होंने किया उनको पता है. But जो लोग करते हैं, I think hats off to them. Hats off to us. Anything you want to add? It is extremely difficult, and especially जो लैंग्वेज होती है वो बहुत डिफरेंट है. आई एम फ्रॉम ओडिशा, तो मतलब मैं एक दो ओडिया के वर्ड्स ऐड भी कर लूँ, बट जो हिंदी जो डायलॉग्स है वो तो बड़ी अलग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है. तो वैसे हम सीन के पीछे नहीं बोल सकती एक मिनट या ओके थैंक यू, ये सब कुछ यूज़ नहीं कर सकते, राइट? सो डूइंग द लाइन्स इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, और बहुत लंबी लंबी डायलॉग्स भी होते हैं बिकॉज इट्स हिस्टोरिकल, और ये सब तो मुश्किल है ही. बट व्हेन यू मेक अप योर माइंड कि करना है तो फिर करना है. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब कुछ भी, वंस वी आर ऑन सेट, वी आर हियर, वी आर वर्किंग, व्हाटएवर यू टेल मी टू डू आई विल डू. इट्स एज सिंपल एज दैट. मतलब व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड इन द सीन वी ऑल डू एंड वी गिव इट. यू पीपल हैव रियली ब्यूटीफुल सीन्स, यू नो, व्हाटएवर वी हैव सीन फ्रॉम द शो. टेल मी, हाउ इज द गिव एंड टेक एज एन एक्टर? आई थिंक बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि यार आप लोग पहले बार काम कर रहे हैं, और सुलग्ना को क्या आप जानते थे? या ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं. आई थिंक इट्स बिन वेरी एफर्टलेस, एंड आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट, कि वी डोंट रिहर्स मच, वी डोंट प्रैक्टिस मच, वी जस्ट कम एंड वी फील द सीन एंड वी डू अ लाइंस एंड वी कम ऑन सेट, एंड उसके बाद देन इट्स द मैजिक ऑफ राधा एंड बख्शी. आई थिंक द ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ वर्किंग विद अ को एक्टर इज व्हेन इट्स ईजी, ईज ऑफ डूइंग अ सीन वेयर इज जस्ट ऑर्गेनिक एंड नेचुरल, एंड थैंकफुली वी गेट सच ब्यूटिफुली रिटन सीन्स दैट we don't have to do much if we just we are honest in the scene and we do it with a full, you know, feel, we are feeling the scene, then it just comes out you know, natural and nice and the way it should be. And from day one I have thought, like, since we are playing husband and wife, there has to be a certain level of comfort. And of course I met him for the first time here, and but once we are playing the characters, then I've known him forever, right? So that comfort needs to come, and thankfully since day one we were both so comfortable with each other, and just when I see him, you know, giving it his all, it just pushes me also to just give it all in the scene. So yes, comfortable as an actor. What about the off-screen bond? Off-screen to I think we are very chilled out. Yeah, you can see us. Yeah, I think it's effortless both ways, on both sides. So I think I think it's fun. Yeah, like if you have a good co-actor, life becomes easier. Yeah, you don't stress much. Ki samne se reaction kya aayenge bhi ki nahi aayenge pata nahi. But luckily, I think in case of her, I think I've been getting some very good reactions, which really helps me also to kind of bring it, you know, give it my best also. So I think it's a blessing, yeah, for any actor. Because we're doing such serious work on screen, it's very important just to let it go, you know, once the scene is over. And she's a funny woman, man. I think we all need to know that. It stems from where that she'll tell you later. Hello. See. It's because my pati is a comedian. Yeah. No, my patni is also a great comedian. Okay. That's why pati married me. Okay. And on this note, you know, anything which you want to say to the fans and to the viewers, because बहुत मेहनत लगती है हर शो में. इस शो में, ऐसे शो में बहुत ज़्यादा लगती है. तो कुछ भी अगर फैंस को कहना चाहेंगे. देखिए, ऐसा है कि बस विद्रोही एक ऐसा शो है जो जिसकी शुरुआत इतनी अमेजिंग मैं कहूँगा कि नहीं रही. उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि हम सब ने बहुत बिलीव किया है इस बात पे कि जो चीज़
शुरू में बहुत मुश्किल होती है वो जितनी मुश्किल हो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं आपकी बिलीव उसमें ज़्यादा जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाती है एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न दैट वीव नेवर गिवन अप बहुत लोगों ने कहा कि बहुत बड़ा शो है आएगा चले जाएगा हम उसकी बातें नहीं करते हैं सेट पे वी कम विद अ वेरी पॉजिटिव माइंड वी कम विद अ वेरी यू नो विद कंप्लीट बिलीफ ऑन सेट दैट वी वांट टू गिव इट अ बेस्ट बड़ी चीज़ें होती हैं अच्छी चीज़ें होती हैं वो इतनी कई बार आसान नहीं होती हैं बट देन आई थिंक द आइडिया इज़ वी कम ऑन सेट टेल ईच अदर दैट नो टुडे इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट डे एंड वी विल मेक श्योर दैट एवरी डे वील हैव सम मोर फैंस जॉइनिंग इन एंड सम मोर व्यूअर्स जॉइनिंग इन सो आई थिंक दैट्स हैपनिंग नाउ आई थिंक टुडे आज टीआरपी आई एंड डेफिनेटली एक पॉइंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है एंड वी आर होपिंग वी विल क्लाइम द लैडर वेरी सून एनीथिंग व्हिच यू वांट टू डू For me, this show is extremely special because I'm from Odisha and I'm doing television after so many years. And the reason for doing it was because when I got a call and I got to know ki Odisha ke upar ek story ban rahi hai national level pe, and I was like, this sounds interesting. Mm-hmm. You know, if I'm coming, then I'm coming with this. So it's really special to me. So main to chahungi ki specially Odisha to pura hi dekhe. Aur hamari story hai, hamare state ki story hai, hamare culture ki story hai. So I'm hoping that even the rest of India will love this story. Right. It's very special for us. Bahut mehnat kar rahe hain hum log and bas chahte ki log dekhe hamari mehnat aur appreciate kare. You know, undoubtedly I've been part of few shows in the past and bahut acha kaam kiya hai. But I think this is one show where the creativity is in terms of the content that we're doing. Writing is so good that we're really enjoying. I think as an actor, I'm really enjoying my work after a long time. तो मुझे कहीं ना कहीं हमेशा बिलीव था कि इसका यू नो दिस शो इज़ मच बियॉन्ड टी आर पी एंड फिगर्स यू नो यू हैव सम शोज विच आर एक्चुअली वेरी वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्टेंट द स्पेस द प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंसेज टेक्निकलिटीज एवरीथिंग दिस इज़ वन शो विच इज़ अमेजिंग आई एम टेलिंग यू वेरी प्राउडली आई थिंक बोथ ऑफ अस कैन एक्चुअली वाउच फॉर इट एंड पीपल आर वॉचिंग इट एक्चुअली लविंग द शो एंड एवरी डे आई गेट टू हियर आई एम श्योर इवन शी इज़ फ्रॉम ओडिशा यू नो शी बैक होम ऑल्सो आई थिंक वी आस्क हर कैसा लगा आज का एपिसोड आई सी लाइक नो पीपल आर एक्चुअली एंजॉइंग इट यू नो बी इट द हाउस पॉलिटिक्स बी इट द वॉफ द इंटायर जो आर्मी आपने देखी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की एवरीथिंग इज़ वॉल बी देयर जस्ट यू नो हैंग ऑन एंड आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी अभी थैंक यू सो मच गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर शो थैंक यू सो मच